Mukherjee, assalamu alaikum. If you people are having any questions relevant to the things which I have discussed in the last session, you are welcome to ask the question. चलिए 8A6 में जो प्रॉब्लम है उसको हम शेयर कर देते हैं. जी 8A6 में क्या इशू है जी? एट ए सिक्स की जो जून 8 की ट्रांजेक्शन है उसके बारे में क्या है? And because of the old truck had a cost of 10,000. अब देखें कि आपका जो पुराना ट्रक था उसकी कॉस्ट थी 12,000 रुपया, आपने उसको जो यूज किया अपने बिजनेस के अंदर वो 9,000 रुपए का है. तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, होता बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड ट्रक इज 3,000. अब आप क्या करना चाहते हैं कि यू वुड लाइक टू एक्सचेंज द ओल्ड ट्रक विद द न्यू ट्रक. हाउएवर द प्राइस ऑफ द न्यू ट्रक इज ऑफ 20,000 एंड द डीलर इज रेडी टू एक्सेप्ट योर ओल्ड ट्रक एट 6,000 रुपीज. तो आप 3,000 की चीज को 6,000 रुपए की चीज को उसको दे रहे हैं, यानी आपकी किताबों में उसकी वर्थ 3,000 रुपीज है, लेकिन डीलर इज गोइंग टू एक्सेप्ट द सेम ट्रक एट 6,000 रुपीज. तो टेक्निकली यू आर हैविंग अ गेन. तो हमने ट्रेडिंग के हवाले से डिस्कस किया था, हमने कहा था कि इफ यू आर हैव अ गेन इन द डील सो देन दिस गेन विल बी एडजस्टेड इनटू द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट. हाउएवर इफ यू हैव अ लॉस देन लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली. तो जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है वो बुनियादी तौर पर हमारी 20,000 है, उसमें 3,000 रुपए का गेन एडजस्ट करते हैं तो अब जो आपको न्यू कॉस्ट ऑफ एसेट होगा वो 17,000 का होगा. अब आप जो ट्रांजेक्शन करेंगे अपनी किताब वो कैसे करेंगे कि आप जो है ओल्ड ट्रक को ये जो है इसको क्रेडिट करेंगे बाय 12,000, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 9,000 से डेबिट करेंगे, कैश आप 14,000 से क्रेडिट करेंगे. अब आप अपने टोटल क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस लीजिए तो इट विल बी इक्वल टू 17,000. ठीक है, लेकिन 17,000 की दूसरी लॉजिक क्या है कि 20,000 में 3,000 रुपए का गेन आपने एडजस्ट कर दिया. जी जी अभी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट नो दैट हु इज दैट. सो इफ यू आर हैविंग एनी अदर क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड. भाई कुछ माइक ऑन कर लें, कुछ मुझे बता दें कि जी आगे चलें या कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ नहीं लगी. All are sleeping. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी. सर वो मैंने ना पिछले दिनों एक ना मतलब मैंने साइट एक विजिट की थी, ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि आपने बताया था कि जो कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है, वो मतलब ऑथर के लिए होते हैं कि वो उसके पास अथॉरिटी होती है. लेकिन ना जो मैंने पिछले दिनों मतलब पढ़ा था ना उसके ऊपर, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कॉपीराइट रिजर्व्ड. सर इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपीराइट रिजर्व कर ली गई है?
नहीं, अच्छा इसमें ना, इसके ना दो एस्पेक्ट्स हैं, आप दोनों चीजों को पहले समझिएगा, ठीक है? देखें, बात यह है कि मुझे जो है ना पब्लिकेशन का तजर्बा है, ठीक है? जिस वक्त हम किसी जर्नल के अंदर पेपर को सबमिट कराते हैं, ठीक है, तो सबमिशन के बाद हमारा पेपर इवैल्यूएट होता है, जिस तरह आपका एग्जाम होता है तो हमारे पेपर की इवैल्यूएशन होती है। तो जिस वक्त जर्नल ये समझता है कि ये हर लिहाज से बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अब जर्नल वाले हमें ये कहते हैं कि वी विल ओनली बी एबल टू पब्लिश योर वर्क इफ यू विल ग्रांट अस अ राइट, कि अगर आप हमें वो तमाम हकूक जो हैं, अगर वो आप हमें इसको ट्रांसफर करेंगे तो फिर ही हम पब्लिश कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको पब्लिश नहीं करते। तो उस प्रोसेस में हमें कॉपी राइट फॉर्म होता है, वो हम अपना जो इख्तियार होता है वो उस पब्लिशर को दे देते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर पब्लिशर उस काम को पब्लिश करता है। अब अगर आप पब्लिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से गौर से देखिएगा तो इसका मतलब है, लेट्स सपोज मुझे पब्लिशर ने इस प्रोसेस में पैसे भी दिए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पब्लिशर इज गोइंग टू पे द प्राइस टू गेट अ राइट टू पब्लिश दिस वर्क इन द मार्केट एंड नो अदर पर्सन इज हैविंग अ राइट टू पब्लिश सच काइंड ऑफ अ वर्क एक्सेप्ट द पब्लिशर हु गॉट द राइट। यानी कि जिस पब्लिशर ने इस राइट को खरीदा सिर्फ उसे ही इख्तियार है कि वो इस काम को आगे पब्लिश कर सके, ठीक है, नो अदर पर्सन इज हैविंग अ राइट टू रिप्रोड्यूस दिस वर्क, ठीक है। तो कॉपीराइट्स जो हैं वो रिजर्व हो गए किसके लिए, हो गए उस पब्लिशर के लिए, ठीक है, नो अदर पर्सन इज हैविंग अ राइट टू पब्लिश दैट वर्क। जी जी थैंक यू फातिमा, सर, क्या समझ आ कहती गई। हैं? सर आ गई समझ। अच्छा जी, चलो जी। एनी अदर वन हु इज हैविंग एनी हु वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेवेंट टू द थिंग्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन? सबको सब क्लियर है? चलो माशाल्लाह, आगे चले सेक्शन बी की तरफ। चले जी, आप हमारा जो चैप्टर नंबर सेक्शन जो चैप्टर नंबर 8 है, इसका सेक्शन बी है एंड दिस सेक्शन इज अबाउट द कॉस्ट एक्सपायरेशन, ठीक है। हमें यहाँ पे जो है वो दो तीन सवालों के जवाब लेने हैं। हमने लास्ट जो हमारा था अपना जो सेक्शन ए था उसके अंदर हमने तीन किस्म के एसेट्स के साथ डील किया। वन इज कॉल्ड एज योर प्लांट एसेट, ठीक है, और हमने कहा द टर्म प्लांट एसेट इज यूज फॉर दोज एसेट विच आर टेंजिबल, सेकेंड थिंग इज प्रोडक्टिव एंड थर्ड थिंग इज लॉन्ग लिव, ओके। देन आई हैव डिस्कस विद यू द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेस्टिंग एसेट दैट इज योर नेचुरल रिसोर्सेज एंड थर्डली आई हैव डिस्कस विद यू द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज इनटेंजिबल एसेट विच आर यू कैन से दैट वैल्यूएबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन बट हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ओके। अब हमारा यहाँ पे जो इश्यू है वो बुनियादी तौर पर ये है कि दैट इज हाउ वी कैन चार्ज द कॉस्ट एक्सपायरेशन, ठीक है। ये मैं दोबारा से आपको पिछले ही चैप्टर पे ले चलता हूँ, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में उसने पिछले चैप्टर से मुराद है कि सेक्शन ए में ले चलता हूँ, ठीक है। तो सेक्शन ए में उन्होंने एक छोटा बॉक्स किया है और दिस पेज, ठीक है। इसमें देखिए कि हमने तीन किस्म के एसेट्स को डील किया था। वन इज कॉल्ड एज योर टेंजिबल एसेट्स, सो इफ वी वांट टू रिकॉर्ड अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स सो देन वी आर रिक्वायर्ड टू यूज द टर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, ओके। एंड इफ वी वांट टू रिकॉर्ड अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज और द वेस्टिंग एसेट वी आर गोइंग टू चार्ज द वर्ड ऑफ डिप्लीशन, ओके। एंड देन देन विद रिस्पेक्ट टू योर इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स गोइंग टू यूज ए मॉडल the value of the intangible asset then we are going to use the term of amortization, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि there is having three different terms. Depreciation is a term which is meant for, ठीक है, if you want to record a reduction in the value of the wasting asset then you are required to use the term of depletion, okay. And if you want to record a reduction in the value of the intangible fixed assets so then you can use the term of that is your amortization, okay. Now cost expiration mein we have to deal with these three elements that is your depreciation, amortization and your depletion, okay. So सबसे पहले यहाँ पे ये question पैदा होता है हमारे पास section B के अंदर
Okay, that is why companies are going to charge the depreciation. Okay. Remember that the companies are going to charge the depreciation just in order to fulfill the requirement of the matching principle. And what the matching principle is suggesting that whatsoever the revenue which you have generated in a particular time period, you are required to match all the expenses which you have incurred in that time period so that we can determine the true profitability. Second important thing is this is not possible for a company to generate a revenue without incurring the expenses. So if you have generated the revenue, so whatsoever the expenditure which you have incurred in order to generate that revenue, these expenses should be matched with that revenue so that we can determine the true profitability. So my first question is that why you have purchased a machine? Take care. So the answer of this question is that we have purchased a machine because we want to use this machine in order to create the goods and services. And why we want to create the goods and services? Because we would like to sell these items into the market and we want to generate the revenue. So if you have generated the revenue, fine. So what sort of expenditures you have incurred? So you have incurred so many expenditures. For instance, you have incurred the material cost, you have incurred the labor cost, and you have incurred the overhead charges. Fine. And the depreciation is one of the component of your overhead charges. Mean that whenever you are going to produce a new product at that moment, due to the production of that product, what is going to be happen? That the value and utility of that asset is going to be declined. So just in order to record a reduction in the value of asset due to its wear and tear, we are going to charge the depreciation. Okay. And why we are going to charge the depreciation? Because we want to fulfill the requirement of the, what we can say that that is your matching principle, that the same period expenses should be matched with the same period revenue. Okay. Achha, ab uske baad humare paas hain, that is we are having a different methods. These are the methods from whom we can use it in order to charge the depreciation, in which one method is called as a straight line method. Theek hai? Ab straight line method ke andar aage do raaste nikalte hain. Ek raaste ko kehte hain to charge a depreciation on the basis of time, and second thing is to charge the depreciation on the basis of the use of an asset. Humne kya kaha? Okay, that is the first method of depreciation is called as a straight line method of depreciation. Okay, so straight line method of depreciation ke andar aage do raaste nikalte hain, aur wo raaste bunyadi taur pe kya hain? Okay, that is what we can say that that is either we are required to charge the depreciation on the basis of time, or we are required to charge the depreciation on the basis of what? On the basis of the asset's usage. Theek hai? So if you are required to charge the depreciation on the basis of time, then the formula is that is cost minus salvage value divided by units of life, in this we call estimated economic life. Estimated economic life. Okay. So cost minus salvage value is called as a depreciable value of the asset. Okay. Now cost of asset to ho gaya minus salvage value. Kya? Salvage value ka matlab hai, this is the value which you can realize it by liquidating the asset at its terminating point. Okay, let's suppose if you have purchased an asset for a period of 5 years, after 5 years you can liquidate this asset into the market and you will be able to realize some cash. So whatsoever the cash which you can realize at that point in time, you are not required to charge a depreciation on that part of the cash. So that part of the cash will not be considered as a part of the depreciation. So that is why cost minus salvage value is called as a depreciable value of the asset. Okay? Divided by estimated life of the asset. Okay. अब वो हमें ये कहता है कि we would like to charge the depreciation on the basis of time. ठीक है? तो फिर आप क्या करेंगे? उन्होंने आपको डेटा दिया हुआ है कि परचेज प्राइस है 15,500 की, डेट ऑफ परचेज है July 10, 1994, उसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर एंड एस्टिमेटेड सॉल्वेंसी वैल्यूज ऑफ 500. ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कॉस्ट हमारी 15,500 है, माइनस 500 इसमें से कर दें, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एसेट कितनी आ गई? 15,000 को 5 साल पे डिवाइड करते हैं, एवरी ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू चार्ज अ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 3,000 पर एन. ठीक है. हाउएवर अगर हम इसके डेटा को देखें तो यू हैव परचेज दिस एसेट ऑन 10th of July 1994. इफ यू आर गोइंग टू क्लोज योर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st December, सो देन यू हैव यूज्ड दिस एसेट ओनली फॉर 6 months टाइम पीरियड. So now you have to convert this depreciation on 6 months time period in the year in which you have purchased it. So you have purchased this asset in 1994. Okay. So it's my 3000 hai, so 3000 ka 6 by 12 le le. So 6 by 12 agar aap lenge, so it will be equal to what? Ye 1500 aa jayega.
So depreciation expense separately, accumulated depreciation is going to be credit. Okay. Our next में आपको कहता है कि based on use, ठीक है, that if we are going to charge the depreciation based on use, ठीक है, तो फिर बुनियादी तौर पे हमने इसको कैसे करना है. अब वो कहता है कि अगेन द फॉर्मूला विल फॉर्मूला इज अप्रोक्सीमेटली द सेम दैट इज कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू. लेकिन अब जब हम इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो वहां पे हम आएगा दैट इज योर एस्टिमेटेड आउटपुट, दैट इज एस्टिमेटेड आउटपुट. ओके, तो अगर हम ये कहें कि मशीन का कॉस्ट 15,500 है, 500 रिकवरेबल है, एंड वी कैन प्रोड्यूस बाय यूजिंग दिस मशीन दैट इज 100,000 पार्ट्स, ओके, और 100,000 यूनिट्स, ओके, सो इसका मतलब हमारे पास जो रेट पर यूनिट आएगा वो कितना आएगा, 0.15, ठीक है, 15,000 को 1,00,000 पे डिवाइड करेंगे 0.15, इसका मतलब है कि इफ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट देन द वैल्यू ऑफ योर एसेट विल रिड्यूस बाय 15 सेंट्स और your value of asset is going to be reduced by 15 paisas, okay? अब उसके बाद वो कहता है कि if you have, if 12,000 parts were stamped during the last half of 1994, the depreciation will be equal to 12,000 multiplied by 0.15 will be equal to 1,800. So this is the way in which we can charge the depreciation by using the straight line method. जी, if you people are having any question up till now, you are welcome to ask the question. जी, do you have any question? क्या कहते हो जी? नो सर, क्लियर. चले आगे जी, आगे चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है और इस मेथड को हम कहते हैं दैट इज योर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और डिक्रीजिंग चार्ज मेथड. ठीक है, डिक्रीजिंग चार्ज मेथड के अंदर जो फिलॉसफी है वो बुनियादी तौर पे ये है कि हमने जो है डिक्लाइनिंग रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है. सो हाउ वी कैन कंप्यूट द डेप्रिसिएशन ऑन द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द एसेट, लेट्स सी दैट. अब सबसे पहले इसके अंदर आपको ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो अगर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज 2 × 100% divided by estimated life. ठीक है, तो इसका मतलब है 2 × 100% divided by estimated life. तो हमारा जो estimated life है वो 5 year है, 100% को 5 पे डिवाइड करते हैं तो जवाब 20 आता है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेट 40 आ जाता है. तो इसका मतलब है वो कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 40% पर एनम. ठीक है, इस डिक्रीजिंग चार्ज मेथड को हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं. इस डिक्रीजिंग चार्ज मेथड को हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं. व्हाई वी कॉल दिस डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, बिकॉज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन दिस मेथड इज डबल देन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड. अब स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अगर आप जाके देखें तो यू हैव कंप्यूटेड अ डेप्रिसिएशन ऑफ 3,000. आपने 3 साल सालाना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी तो 3,000 की डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर दें 15,000 पे मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 20%. ठीक है, तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन में आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वॉज 20%, बट इन डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 40%. सो हियर द रेट इज डबल देन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विच यू हैव कंप्यूटेड इन द स्ट्रेट लाइन मेथड. अब वो कहता है जी कि हमने इसको किस तरह से चार्ज करना है. चले, अब इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो बुनियादी तौर पे क्या है कि हमारा जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट है 15,500, उसमें हम 40% कैलकुलेट करेंगे तो जो 40% हमारा आता है वो कितना आता है, 6,200 आएगा.
6200 है. अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमने इस एसेट को जुलाई 10 को बाय किया था, तो वी हैव ओनली यूज दिस एसेट फॉर 6 मंथ्स टाइम पीरियड, सो देयर इज अ नीड टू रिड्यूस दिस डेप्रिसिएशन बाय 6 मंथ. तो हमने इस डेप्रिसिएशन को 3100 रुपए चार्ज कर लिए, यानी कि 6200 को डिवाइड मल्टीप्लाई किया 6 से, डिवाइड किया 12 पे, तो 6/12 कर लें या 1/2 कर लें, तो इन बोथ ऑफ द केसेस दी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू 3100. ओके, अब उसके बाद अब जो नेक्स्ट आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपने अगले साल की जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 15,500 आपका फर्स्ट ईयर का था कॉस्ट, उसमें से 3100 जो आपने डेप्रिसिएशन माइनस की, ठीक है, क्योंकि यू आर रिक्वायर्ड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन द डिक्रीजिंग बैलेंस. तो अब तक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी 3100 की, 15,500 माइनस 3100, तो आपके पास कुछ बैलेंस आ जाएगा, उस बैलेंस का 40% लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 4960. सो दिस 4960 विल बी कंसिडर्ड एज द डेप्रिसिएशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर विच इज ऑफ योर 95. अब अगले साल हम क्या करेंगे, अगले साल हम यही करेंगे कि 15,500 माइनस 3100, तो देखें हमारे यहाँ पे क्या आता था, 12,000 कुछ आएगा जी, 15,500 माइनस 3100 देखें क्या बनता है जी, 12,400 आ गया, 12,400 में से 4,960 माइनस कर दें, 12,400 माइनस 4,960 क्योंकि थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है हमने, तो 7440 आ गया, 7440 का 40% ले ले, 7440 को मल्टीप्लाई कर दें 0.4 के साथ, तो थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी, ये 2976 विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर. तो पहले साल डेप्रिसिएशन थी 3100, दूसरे साल आई 4960, तीसरे साल आई 2976, एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू. ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के अंदर, वो आपको क्या कहता है कि रिमेनिंग ईयर्स ऑफ एन एसेट लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट इन टोटल ईयर ऑफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट माइनस ऑलवेज वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर. ओके जी, तो हमारे पास रिमेनिंग ईयर ऑफ एन एसेट लाइफ 5 है और सम ऑफ डिजिट जो है वो हमारे पास क्या होगा, 5+4+3+2+1, ठीक है, तो अगर हम इसको जमा करें 1 और 2 3 और 3 6 4 10 15, 5/15 आ गया, 15,500 माइनस 500 अगर आप कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 5/15,000 विल बी इक्वल टू 5,000. सो दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर. अब नेक्स्ट ईयर के अंदर आपने जो डेप्रिसिएशन लिख क्या लेनी है वो 4/15 मल्टीप्लाइड बाय 15,000, तो वो 4,000 आ जाएगा, फिर 3,000 आ जाएगा, फिर 2,000 आ जाएगा, फिर 1,000 आ जाएगा, ठीक है. अब जरा इस मेथड को ज्यादा गौर के साथ देखिएगा, वो ज्यादा गौर ये है कि यू हैव कंप्यूटेड अ डेप्रिसिएशन फॉर 1994 विच इज ऑफ 5,000, बट यू हैव यूज्ड दिस एसेट ओनली फॉर 6 मंथ, सो दैट इज व्हाई इन द फर्स्ट ईयर यू आर सिंपली गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ टाइम पीरियड विच इज 2500. आप 5,000 में से 2500 तो चार्ज कर लिया, तो जो रिमेनिंग 2500 वो कहाँ पे जाएगा, दिस विल बी ट्रांसफर्ड इन टू द नेक्स्ट ईयर, बट दिस डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ. तो जो हमारे नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट 6 मंथ होंगे, जो 95 के पहले 6 महीने होंगे, उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो कितनी होगी, 2500 होगी. ओके, अब अगर हम नेक्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो 4/15/15,000 है, जो कि 4,000 आ जाएगा. अब इस 4,000 का 6/12 कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 आ जाएगा. तो 2500 पहले हाफ का था, 2,000 का नेक्स्ट हाफ का है, तो इन दिस वे द डेप्रिसिएशन फॉर 1995 विल बी इक्वल टू 4500. तो ये इस तरह से 4500 की डेप्रिसिएशन निकलेगी, ठीक है. अब वो आपको
जी पहले साल की डेप्रिसिएशन जो है वो 2500 है, ठीक है, और सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन उन्होंने आपको कैलकुलेट करके दी हुई है जो कि है 4500, ठीक है। तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून 1995 तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2500, जो कि रिमेनिंग डेप्रिसिएशन है विच यू हैव कंप्यूटेड इन 1994, और उसके बाद जो आपने करंट ईयर में कैलकुलेट की वो 4000 टोटल ईयर की है, तो यू सिंपली आर रिक्वायर्ड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, तो इन दिस वे इट विल बी इक्वल टू 2000, सो द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 1995 विल बी इक्वल टू 4500, ठीक है। अब यहाँ पे ये था कि लेट्स सपोज अगर हमें ये कहा जाए कि इफ एन एसेट इज हैविंग अ लाइफ ऑफ 50 इयर्स, तो हम फिर क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट में इसी तरह लगे रहेंगे कि दैट इज 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 46 प्लस 47 प्लस 46 प्लस 45 एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू। तो उनका उन्होंने सम ऑफ डिजिट का फॉर्मूला दिया हुआ है n multiplied by n plus 1 divided by 2, तो n कहता है एस्टिमेटेड लाइफ को, तो एस्टिमेटेड लाइफ 5 है प्लस 1 करते हैं उसमें 6 हो जाएगा, डिवाइड करते हैं 2 पे 3 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 50 होता है यहाँ पे तो 50 प्लस हमारा जो है वो 1 आ जाए, सॉरी एन हमारा अगर हमारा 50 है, ठीक है, प्लस 1 कर लें 51 कर लें, डिवाइड इसको किस पे कर दें 2 पे, तो 51 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 51 को 25.5 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड में उसको फिर 50 करने, ठीक है, तो ये राउंड अबाउट आपके पास जो भी आ गया कोई ना कोई जवाब आ जाएगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज योर सम ऑफ डिजिट मेथड, ठीक है जी। अब ये आके उन्होंने छोटा सा कंपैरिजन दिया हुआ है इन मेथड्स का, ठीक है, लेकिन ये जो कंपैरिजन दिया हुआ है इसमें अब उन्होंने कहा कि लेट्स सपोज दैट इफ यू आर गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन पर एनम बेसिस, अगर आप सालाना बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो फिर बुनियादी तौर पर क्या होगा, तो ये सवाल है, उन्होंने चार्ट एक बना के दिया हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में वी हैव कंप्यूटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 3000 पर एनम, ठीक है, तो 3000 पर एनम हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, तो 33333 आपको नजर आ रहा है, ओके। यहाँ पे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर पहले साल की डेप्रिसिएशन हमारी 6200 है, सेकेंड ईयर की 3720 है, थर्ड का 2232 है, ये पर एनम बेसिस पे है, ये 6 मंथ बेसिस की नहीं है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने जब फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन आए तो छोटा सा स्टेरिक लगाया, तो टेक्निकली कंपनी वुड लाइक टू स्विच फ्रॉम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड, तो हमने उस पॉइंट इन टाइम पे देखना है कि तीसरे साल के आखिर के ऊपर इस एसेट की बुक वैल्यू क्या थी, तो जो एसेट की बुक वैल्यू होगी वो राउंड अबाउट कोई जो है वो कुछ ज्यादा ही बनेगी, देखना पड़ेगा, और उसमें से फिर हम माइनस करेंगे सॉल्वेज वैल्यू को, क्या करेंगे, माइनस करेंगे सॉल्वेज वैल्यू को, और जो रिमेनिंग अब वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम 2 सालों पे डिवाइड कर देंगे। इन दिस वे दे हैव कंप्यूटेड 1424 एंड 1424। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के अंदर आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, इन दिस वे यू विल हैव टू चार्ज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 15000। जी जी मेरे भाई, कुछ समझ लगा आप लोगों को ये चीजें? जा गई जी जी, मुझे कुछ बताएंगे आपको क्या चीजें समझ लगी और क्या चीजें समझ नहीं लगी मुझे? ये कुछ समझ लगता है आपको? कैन यू प्लीज यस सर, क्लियर है सर, 3 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के, यस क्लियर। यार मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन आपको बड़ा क्लियर हो रहा है। चलो अच्छा, मैं दोबारा से इस एग्जाम्पल को आप लोगों को रिवाइज कराना चाहता हूँ, तो इसको गौर से देखिएगा।
मैंने इसके खुद से जो है इसकी इसी एग्जांपल को जरा थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है, जरा इसको जरा दोबारा से देखें। इसमें हमने कहा कि हमारे पास बेसिक डेटा यह है कि डेट ऑफ परचेज है 10 जुलाई 1994, कॉस्ट ऑफ मशीन इज 15,500, सॉल्वेज वैल्यू 500 है और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 ईयर है। और लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एस्टिमेटेड आउटपुट जो है वो हमारी 100,000 units है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड हमें क्या कहता है कि आइदर यू कैन चार्ज अ डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और यू कैन चार्ज अ डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड आउटपुट। ओके, इफ यू आर गोइंग टू चार्ज अ डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड लाइफ तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो 15,500 - 500 डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल टू 3,000 पर एनम। अब वो कहता है डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ मशीन क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू विच इज 15,500 - 500 इक्वल टू 15,000। ओके, अब अगर हमें कहा जाए कि कैन यू कंप्यूट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द स्ट्रेट लाइन मेथड, यस वी कैन कंप्यूट इट। हाउ वी कैन कंप्यूट इट, दैट इज द डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय द डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ मशीन मल्टीप्लाइड बाय 100, 3000 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑफ 20%। ओके, अब हमने इसको कैसे सालाना डेप्रिसिएशन चार्ज की, अब हमने इस एसेट को खरीदा था 10 जुलाई 1994 को, तो फर्स्ट ईयर में वी आर सिंपली गोइंग टू यूज दिस एसेट ओनली फॉर 6 मंथ। ओके, तो टोटल ईयर की डेप्रिसिएशन थी 3000, हमने 6/12 दिया तो 1500 आया, ठीक है। फिर 31 दिसंबर को हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 3000 की होगी, फिर 3 और इसी तरह से 30 जून 1999 को ये एसेट एग्जॉस्ट हो जाएगा हमारी किताबों में से, एंड अगेन वी आर रिक्वायर्ड टू चार्ज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 1500। इन दिस वे वी आर गोइंग टू टेक द सम ऑफ ऑल दीज वैल्यू, इट विल बी इक्वल टू 15,000। ओके, अब उसके बाद वो क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड आउटपुट, ठीक है। तो अगर हमने एस्टिमेटेड आउटपुट के बेसिस पे डेप्रिसिएशन लेनी है तो फिर क्या होगा, डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आउटपुट। 15,500 - 500 डिवाइडेड बाय 100,000 यूनिट विल बी इक्वल टू 0.15 पर यूनिट, तो 15 पैसे आपका पर यूनिट आता है। अब वो कहता है रिमेंबर इन केस ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट, हाउएवर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर ड्यू टू वेरिएशन इन प्रोडक्शन ऑन पर एनम बेसिस, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, उसके अंदर कहा जाता है कि हमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कांस्टेंट अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। जब हम यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड यूज करते हैं तो उसमें हमने चीज याद रखनी है कि रेट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा, हाउएवर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वेरी करेगी। वो कैसे वेरी करेगी, एज योर प्रोडक्शन स्केड्यूल इज गोइंग टू वेरी। फॉर इंस्टेंस अब इसके अंदर हमने, अब उसने कहा जी कि हमने जो है वो पहले 6 महीने में 12,000 units प्रोड्यूस किए, तो 12,000 को 0.15 से मल्टीप्लाई किया 1800। फिर हमने कहा अगले साल हमने 18,000 units प्रोड्यूस किया, 18,000 को 0.15 से मल्टीप्लाई किया 2700। फिर हमने 20 प्रोड्यूस किया तो 3000, फिर 20 प्रोड्यूस किया 3000, फिर हमने 10,000 units प्रोड्यूस किया तो 1500, और फिर 20,000 units प्रोड्यूस किया 3000। इन दिस वे वी हैव टू चार्ज द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ दी एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड जो मैंने अभी डिस्कस किया उसमें है 2, दैट इज डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जिसको कहते हैं। Why we call this method as a double declining balance method? Because this method, in this method, the rate of depreciation is double than the rate of depreciation in straight line method. So rate of depreciation कैसे find करेंगे? 2 × 100% divided by estimated life. So 2 × 100% divided by 5 years is equal to 40%. Okay? अब जरा इसको गौर से देखिएगा कि क्या है, क्योंकि विद इन डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड वी आर हैविंग 2 मेथड। अब मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ मेथड 1 जो कि आसान है, ठीक है। इसमें हमने 15,500 था, ठीक है, इसका 40% ले लिया तो ये 6200 रुपया आ गया, ठीक है। बट वी आर रिक्वायर्ड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ओनली फॉर 6 मंथ, तो 6200 का 6/12 लिया तो ये हमारे पास 3100 आ गया, तो ये 3100 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। अब 31 दिसंबर 1995 को हमने कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, 15,500 हमारा कॉस्ट था माइनस 3100 जो हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, रिमेनिंग यूजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट इज, रिमेनिंग डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ द एसेट इज 12,400, 12,400 का 40% ले लें तो 4,960 आ जाएगा। ओके, तो अब आप 4,960 इज दी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद अगर हम 31 दिसंबर 1996 को चलें तो इसमें हमारे पास क्या है, 12,400 - 4,960 विल बी इक्वल टू 7,440, इसका 40% ले लें तो 2,976 आता है, तो दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर।
उसके बाद आप फोर्थ के अंदर चलें तो देखें क्या बनता है, 7440-2976 विल बी इक्वल टू 4464, इसका 40% लें तो 1786 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट में लगे 31 दिसंबर 1998, और उसके बाद क्या बना 4464-1786 आ जाएगा तो 2678 आ जाएगा, ठीक है। अब 2678 का 40% लें तो 1071 आ जाता है। Since we are required to exhaust this asset in 5 years, हमने 5 सालों में इस एसेट को एग्जॉस्ट करना है, तो 5वें साल हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उसकी जो रिमेनिंग यूजेबल वैल्यू वो कितनी बनती है, 2678-1071 तो वो 16607 है। अब हम इसमें से सिर्फ 500 सॉल्वेज वैल्यू माइनस करेंगे, रिमेनिंग टोटल विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आप इस पे 40% लगाएंगे तो स्टिल ये एसेट 6वें 7वें 8वें साल तक मूव करेगा, तो वी वॉन्ट टू एग्जॉस्ट दिस लेकिन जो होल ईयर की डेप्रिसिएशन कंप्यूट की थी वो 6600 थी, तो रिमेनिंग 3100 का जाएंगे। This remaining 3100 will be transferred into the first half of the next year, which is 1995. तो इस वजह से हमने लिखा होगी वो 3100 होगी। अब 15500 में से 3100 नहीं माइनस कर रहे हैं, 6200 माइनस कर रहे हैं, 9300 आ रहा है, 9300 का 40% ले रहे हैं, 37 का फिर 6/12 दिया तो 1860, तो इसका मतलब है 3100 पिछला बचा हुआ था 1860, इस वाला तो टोटल सम करें तो 4960 आ जाएगा, ओके। इसी तरह से फिर जब हम 1st जनवरी टू 30th जून 1996 के, तो ये जो 3720 था, 3720 का हाफ हमने 95 में चार्ज किया, तो रिमेनिंग हाफ जो है इट विल बी चार्ज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो ये 1860 आ गए। अब उसके बाद 9300 में से 3720 माइनस करें 5580 आ जाएगा, इसको 40% ले लें तो ये 2232 आ जाएगा, 2232 को फिर 6/12 करें तो 1116 आ जाएगा। तो 1860 हमारी डेप्रिसिएशन पिछली थी, 1116 इस तरह वाली है, टोटल 2976 आ जाएगा, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास 1st जनवरी से लेके 30th जून 1997 तक जो पिछले साल डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे उसका हाफ हमने वहां ले लिया था, हाफ नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी तरह से अब हम 5580-2232-3348 आ जाएगा, 3348 का 40% लेंगे 1339 आ जाएगा, 1339 का 6/12 लेंगे 670 होगा, तो 1116-670 विल बी इक्वल टू 1786, ठीक है। इसी तरह से फिर 670 उधर चार्ज किया, 670 इधर चार्ज करेंगे, अब देखें क्या बनता है। हमारे पास 3348 है, माइनस 1339 है, तो 2009 आ गया, 2009 का 40% 804 और इसका 6/12 भी है तो 402, तो इनको ऐड करेंगे तो 1072 आ जाएगा। अब जो लास्ट होगा उसमें 402 तो आपने लेना ही लेना है, और उसके बाद 2009 था उसमें से 804 माइनस किया, 1205 आ गए, 1205 में से 500 रुपये हमने सॉल्वेज वैल्यू माइनस की, तो इसमें सॉल्वेज वैल्यू आखिर में जाके माइनस करते हैं, तो रिमेनिंग 705 आया, तो 400 तो 705 को ऐड किया तो इट विल बी इक्वल टू 1107, तो टोटल विल बी इक्वल टू 15000। तो ये पहला था हमारा मैथड वन और ये था हमारा मैथड टू, ओके। इसी तरह से सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, अब ये कहता है रिमेनिंग ईयर ऑफ एन एसेट लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू, और सम ऑफ डिजिट हमारा क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 15, ठीक। अब इसमें 1st जुलाई से 30th दिसंबर तक जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किए वो बुनियादी तौर पर कितनी है, वो हमारी 2500 है, वो कैसे 2500 आई, 5/15 मल्टीप्लाइड बाय दिस 5000 आ गया, तो इसका आपने 6/12 ले लिया तो 2500 डेप्रिसिएशन आ गई। अब रिमेनिंग 2500 विल बी चार्ज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर, इसी तरह से अगले साल की डेप्रिसिएशन 4000 है तो इसका हाफ ले लेंगे 2000, तो 2000 ये और 2500 पुराने वाला टोटल डेप्रिसिएशन 4500 बनी। फिर तीसरे साल में डेप्रिसिएशन 3500 है, फिर 2500 है, फिर 1500 है, और फाइनली हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो 500 है, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास जो मेथड है इसमें है, इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। ये जो मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम होता है इसमें
हमें टेबल गिवन होता है और परसेंटेजेस गिवन होती है, तो वी आर रिक्वायर्ड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन कॉरेस्पॉन्डिंगली, और इस मेथड के अंदर हम जो है वो सॉल्वेज वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, तो वी आर रिक्वायर्ड टू चार्ज द फुल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। ठीक है, फॉर इंस्टेंस के 1994 में वो कहता है रेट इज 20%, देन 32, 19.2, देन 11.52, 11.52 और 5.76%। तो स्टेट अवे हमने 15,500 का 20% ले लिया, फिर 15,500 का 32 ले लिया, 15,500 का 19.2 ले लिया, और उसके बाद फिर हमने 15,500 का 11.52 ले लिया, फिर हमने 11.52 और 5.76, इन दिस वे वी हैव कंप्यूटेड द डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर। इसमें मैंने आपको एक लिंक गिवन है, ठीक है, इसमें मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को जाकर स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी किताब के अंदर उसने थोड़ा सा कम इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये लिंक भी खुल जाए। ये जी हमारे पास मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, ठीक है, तो इसमें हमें कहता है टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर एन एसेट यूजिंग मेथड, फर्स्ट डिटरमाइन द एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड देन यूज द टेबल बिलो टू फाइंड द एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन स्केड्यूल व्हेन यूजिंग मेथड एन एसेट डज नॉट हैव एनी सॉल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो जब हम मेथड यूज करते हैं तो उस वक्त हम ये अस्यूम करते हैं कि एसेट की कोई सॉल्वेज वैल्यू नहीं है। This is because the asset is always depreciated down to zero as the sum of depreciation rate for each category always add up to 100%. ठीक है, तो ये जस्ट लाइक उन्होंने छोटी सी एक डेमो दिया हुआ जिसमें उन्होंने आपको दिया हुआ, सबसे पहले इसमें ये देखना पड़ता है कि एसेट किस कैटेगरी में फॉल करता है, 3 ईयर में, 5 ईयर में, 7 ईयर में, 10 ईयर में, तो जिस कैटेगरी में फॉल करता है उसके परसेंटेजेस आपको गिवन होंगे, यू सिंपली हैव टू कंप्यूट दैट परसेंटेजेस इन ऑर्डर टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये उन्होंने दिया हुआ 3 ईयर का टेबल भी है, 5 ईयर का भी है, 7 ईयर का भी है, 10 ईयर का भी है, 15 ईयर का भी है, 20 ईयर का भी है। तो हमने 5 ईयर की वैल्यू दिए थे 20, 32, 19.2, 11.52, 11.52 एंड 5.76। ठीक है, सो दिस इज द वे विच वी कैन यूज इट इन ऑर्डर टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, सो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। नो क्वेश्चन एट ऑल, सर ये टेबल बना बनाया है या फिर ये हमें खुद भी हम खुद बना सकते हैं, किस तरीके से? नहीं नहीं, बुनियादी तौर के ऊपर इसमें जो टेबल है ना, बुनियादी तौर पे इसकी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, यू आर सिंपली रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ दैट, बस खत्म। बात समझ लगी फातिमा क्या कह रहे हैं हम? जी जी सर, आप ही समझ। इसमें आपको परसेंटेजेस गिवन होंगे, बस खत्म, आपको परेशान होने वाली बात नहीं। Chale, this is all about our today's discussion. Inshallah, tomorrow I would like to see you at the same time. Fine, but before that, attendance mujhe de de, taki main aapki attendance ko note kar.
Okay.